पहुंच गए हैं जलप्रपात। ये देखिए यहाँ पीछे, तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं नरहरा जलप्रपात धमतरी, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं उस जगह को। तो अभी हम लोग दुर्ग में हैं, अभी यहाँ से निकल रहे हैं धमतरी। तो चलिए चलते हैं, अब रास्ते में ही बीच बीच में बातें करेंगे और वहाँ जाकर आपको वहाँ का दृश्य दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल आर वर्ल्ड क्रिएशन पर। आज हम जा रहे हैं धमतरी जिले के कोटरवानी गांव के नरहरा जलप्रपात में, तो चलिए चलते हैं। और अभी आप देख रहे हैं, ये हम लोग चौक पे खड़े हैं, तो हम लोग इस चौक से जाएंगे लेफ्ट की ओर। अब यहाँ से 28 किलोमीटर और बचा हुआ है नरहरा जलप्रपात, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मोबाइल में, मैप में। ये देखिए, तो ये देखिए आप लोग महानदी, जो पूरा सूखा पड़ा है, यही है जो सिंगरिसी पर्वत से निकलती है, जहाँ पे सिंगरिसी का आश्रम है, वहीं एक कुंड से ये नदी निकलती है। देखिए आप लोग, ये बरसात में भी भरी रहती है, बरसात में ही ज़्यादा भरी रहती है, बाकी टाइम ये ऐसा ही सूखा ही रहता है। धीरे धीरे सूखते जा रही है। मैं पहले बहुत आता था धमतरी नगरी, तो देखता था ऐसे ही रहता था, बट इससे थोड़ा ज़्यादा पानी रहता था, अब ये सूखते जा रहे हैं। अब ऐसा है कि हमारे पर्यावरण को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब ये सूखते ही जाएगा धीरे धीरे। और ये चौक से हम लोग लेफ्ट जाएंगे, ये गांव है कुकरेल। चौक से अब आप नरहरा जाने के लिए लेफ्ट आना पड़ेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है नरहरा धाम। हम लोग सही रास्ते में हैं अभी। अभी तक तो सही रास्ते में है। अभी तक सही रास्ते में है, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसी उम्मीद में है। अब 1 किलोमीटर ही बचा है, तो घूमने की संभावना तो नहीं है। अगर घूम भी जाते हैं तो ढूंढ लेंगे। 1 किलोमीटर होता कितना है। नरहरा वाटरफॉल में आपका स्वागत है। देखिए, तो मैप तो हमको दिखा दिया था कि हम लोग पहुंच चुके हैं ऐसे करके, बट फिर भी मैप जहां पहुंच चुके हैं बताया, उससे लगभग 500 मीटर आधे किलोमीटर हम लोग आगे आ चुके हैं, बट हमें ऐसा कुछ अभी तक दिखा नहीं है, ना ही कुछ फीलिंग आई है कि पहुंच चुके हैं। तो अब जा रहे हैं, ऐसा दीपक बोल रहा है कि गूगल मैप झूठा है, मतलब उस पर केस करे क्या? केस कर दे क्या? FIR दर्ज करवाऊंगा अभी जाके वापस। ऐसा ऐसा, ठीक ठीक। यहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ देखकर हमको लग रहा है कि अब हम लोग पहुँच चुके हैं नरहरा जलप्रपात। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, हम लोग यहाँ ने पर्ची कटा है और यहाँ का एंट्री फीस है 50 रुपये, गाड़ी और हमारा सबका मिला के। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, चलिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा 2 मिनट रुके हुए हैं और हमारे बाकी लोगों का वेट कर रहे हैं अभी। तब तक आप देखिए, यहाँ घना जंगल है, घने जंगलों के बीच ये जगह है, ये जलप्रपात है। तो अभी यहाँ से लगभग 100-200 मीटर ही दूर होगा, ऐसे बता रहे थे यहाँ पर्ची जो काटे उन लोग। तो हम लोग ये जो 5 लोग दिख रहे हैं आपको, ये रवि, दीपक और बाकी 2 लोग और, हम लोग 5 लोग ही आए हैं। तो अभी तो हम लोग जाते ही जा रहे हैं। अभी तक वो भाई जो बोल के गया, उसका 100 मीटर हुआ नहीं है लगता है। चलिए, यहाँ बोर्ड के हिसाब से आप इनका सूचना पढ़िएगा और इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग पहुँच गए हैं, यही जलप्रपात है, ये जो आगे जलप्रपात बनता है। उतना बड़ा जलप्रपात नहीं है, ये लगभग 8 से 7-8 फीट का या 10 फीट का लगभग होगा जलप्रपात। तो ये जो नदी है या नहर है, यही आगे चल के यहाँ आगे चल के जलप्रपात बनती है। चलो देखते हैं नीचे जाके। हम लोग पहुँच गए हैं जलप्रपात। ये देखिए यहाँ पीछे हम लोग जाएंगे अभी और,
ये देखिए यहाँ से पानी बह के आ रहा है और ये पहाड़ों के बीच से पानी ऐसे निकल के आता है, ये मैंने सुना था। तो हमारे साथ आए हुए लोग यहाँ पे हाथ पैर मुंह धोने लग गए। बहुत ही अच्छा प्लेस लग रहा है। पकड़े रहे शेयर हो रहा है। और यहाँ दीपक मस्ती के मूड में चालू। और यहाँ मौसम परिवर्तन हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। बस पानी का डर है, पानी ना गिरे। यहाँ पे दीदी लोग लाठी लेके और सिटी लेके घूम रहे हैं जो पार्किंग में थे, और वहाँ पे जो यहाँ की मतलब देखभाल मतलब आसपास के लिए देखते हैं, सुरक्षा के लिए जो बैठे हैं, उन लोग बोल रहे हैं कि 4 बजे तक यहाँ से निकल जाइए। मतलब 4 से 4:30 के बीच आप निकल सकते हैं। अगर उन लोग बोलेंगे 5 बजे निकलना है तो आप 6 बजा दोगे, इसलिए वो आधे घंटे पौन घंटे पहले का वक्त देते हैं, 4 बजे तक निकल जाइएगा करके। तो अभी तो हम लोग नीचे से अब जाएंगे, यहाँ नीचे का व्यू देखते हैं। चलिए अब ये देखिए यहाँ का हाल, सब लोग सेल्फी स्टिक लिए हैं, ऐसे ही भी सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ भाई साहब फोटो ले रहे हैं। यहाँ आप अगर आते हैं, अगर आपके पैरों में चप्पल या जूते हैं तो ध्यान से चलिएगा, पत्थरों में बहुत काई जमा हुआ है। देखिए बहुत ज़्यादा ही काई जमा हुआ है, फिसलने का बहुत ज़्यादा डर है। तो आप लोग यहाँ आते हैं तो थोड़े ध्यान से चलिएगा। ये आप देख रहे हैं, यहाँ साइड से देखेंगे तो ये जलप्रपात चढ़ता हुआ, यही है जो जलप्रपात 2-3 लेयरों में आगे गिरता है। ये देखिए, एक पहले यहाँ ऊपर से, फिर यहाँ नीचे हो, फिर ये नीचे, फिर ये नीचे। मतलब अगर ऊपर से आप ऊंचाई नापोगे तो लगभग 20 से 30 फीट लगभग होगा ही, और नीचे नीचे होते होते ये 5 से 10 फीट रह जाती है। आपसे निवेदन करता हूँ, इन पत्थरों से आप उतरेंगे अगर नीचे का ये दृश्य देखने के लिए, तो आपसे बार बार निवेदन कर रहा है कि आराम से आइएगा, क्योंकि तो पत्थरों में बहुत काई जमी हुई है जो आपके लिए किसी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। अगर यहाँ आप गिरेंगे तो चट्टानें बहुत बड़ी और बहुत कठोर हैं, आपको बहुत ज़्यादा लग भी सकती है। कितना ज़्यादा और कितना तेज आवाज़ आ रहा है, देखिए आप कितने पास से हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से देख रहे हैं। देखिए कितना मस्त आवाज़ आ रहा है, बहुत ही सुंदर। तो हम लोग यहाँ लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है रुके हुए। तो अब हमको चलने की तैयारी करनी है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं मौसम सही नहीं है, बस अब तब पानी गिरने वाली है। 1 से 2 मिनट में लगभग हो सकता है, या 5 मिनट में बारिश चालू हो जाए। हमारे पीछे ये देखिए जलप्रपात है यहाँ पे, और यही है नरहरा जलप्रपात दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है। और ये बारिश के मौसम में इतना भरा रहता है, बाकी टाइम में ये उतना नहीं रहता। अगर आप ठंड के टाइम में या गर्मी के टाइम में आएंगे तो आपको थोड़ा सा सूखा मिलेगा। मतलब लहर तो चलती है, मतलब जलप्रपात थोड़ा थोड़ा तो गिरता ही रहता है, ऐसा है। और ये देखिए यहाँ से होके पानी पीछे जाती है, वही नीचे उतरती है। ये अब नहर नालों में कहाँ कहाँ जाती है, नदी में जाती है, इसका पानी का हमको पता नहीं है। अगर और कभी आना हुआ यहाँ पर तो हम इसके बारे में बताएँगे।
इसके बारे में जानकारी लेके आएंगे कि कहाँ जाती है बारिश, और अगर मुझे पता चल जाता है कि ये कहाँ जाती है पानी और ये निकलती कहाँ से है, ऐसे तो सुने हैं कि पहाड़ों के बीच से ये पानी बह के आती है, और कुछ पता चलेगा तो आगे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो अब थोड़ा सा और यहाँ रुकेंगे, वीडियो फ़ोटो लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे। आप लोग इसके बाद और नज़ारा देखिएगा थोड़ा सा जलप्रपात का, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, बोलता हूँ कि आप ज़रूर एक बार आए यहाँ। ज़्यादा दूर नहीं है धमतरी से, मैप के सारे आइएगा गूगल मैप के। हाँ, भले कि गूगल मैप आपको इसके 3 से 4 किलोमीटर पहले लगभग, हाँ 2-3 किलोमीटर पहले आपका गूगल मैप लोकेशन ख़त्म कर देगा, बट सीधा सीधा ही आइएगा। और यहाँ पे रवि भी फ़ोटो लेने में व्यस्त है, देखिए। और बाकी लोग, हम लोगों के साथ जो 3 लोग आए थे, दीपक और 2 लोग और, वो लोग तो वहीं ऊपर कहीं घूम रहे हैं। तो अभी चलो अब चलते हैं मौसम के ख़राब होने से पहले। बहुत ज़्यादा यहाँ टाइम भी हो चुका है, हमें आगे भी जाना है, वक्त कम है हमारे पास, अगर भीग गया तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए चलते हैं। जैसे कि हमने सुना था कि इस जलप्रपात का पानी पहाड़ों के बीच से होकर आती है, लेकिन ये अंतिम में जलप्रपात बनने के बाद इसकी धारा महानदी में जाकर मिल जाती है। इसके उद्गम पर तो अभी भी संशय बना हुआ है, लेकिन इसकी समाप्ति महानदी में ही जाकर होती है, ऐसा पता चला है। और इससे पास तो हम लोग जा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो कुंड है या गड्ढा है, जो भी है, इसमें हमको ये नहीं पता कि कितना पानी भरा हुआ है या कैसा है, गहरा है या उथला है, जो भी है। और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा है, जहर डालना मना है। तो अब ये जहर डालना मना है, ये वो भाई जो लिखा है वहाँ पे नीचे भी है, पायजन कुमार, क्या लिखा है, थनौद मनौद जो भी लिखा होगा, वो ज़िंदगी में, लोगों के ज़िंदगी में जहर डालना मना है बोल रहा है या क्या बोल रहा है नहीं पता, बट अच्छा इंस्ट्रक्शन वहाँ पे लिखा है वो। अब वो गया कैसे वो नहीं पता, पानी जब सूखा रहा होगा तब गया होगा। अब यहाँ पे देखिए छोटा सा चट्टान के बीच थोड़ा सा गेप भी है, गुफा टाइप का, गुफा के रास्ते नहीं है, बट थोड़ा सा यहाँ पे देखिए चैम्बर है, जो यहाँ पे चैम्बर की तरह बना हुआ है। और यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं दीपक फुल नहाने के मूड में है और नहाया जा रहा है, बाद में सर्दी पकड़ेगा तो मेरे को मत बोलना। देखिए फुल मजे ले रहा है बच्चा। ये हमारा छोटा जलप्रपात, हमारी पहुँच यही तक है पास से वीडियो लेने की। हम खतरों के खिलाड़ी नहीं है भाई जो उस बड़े जलप्रपात में जाके वीडियो लेंगे पास से, तो ये छोटे में आके ही ले लेते हैं अपना मज़ा। और हम लोग वापस जा रहे हैं अब यहाँ से। अगर आप उस पार जाना चाहते हैं, ये देखिए, तो आपको वो छोटा सा पुल बना हुआ है जो इस पार से जुड़ा है, तो यहाँ से आप ऐसे घूम के यहाँ आ सकते हैं। ऐसे हम लोग यहाँ से वापस होंगे या तो और कहीं जाएंगे, तो चलिए यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि लेट हो रहा है हमको निकलने में। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।